मोहाली जिले के नया गांव के गुटका साहब के अंग मिलन बाद काफ़ी जिहड़ा दहशत का माहौल या काफ़ी रोष जिहड़ा वो जरूर वेखण नूं मिल रहा है। गुरद्वारा साहब च काफ़ी जिहड़े लोग ने इत्थे संगत है वो इकट्ठ हुई है क्योंकि इत्थे इस एरिया दे विच पहली बारी होया है कि इस तरह की यह चीज़ा हुई है। हालांकि कौन सी किने ये सारा कुछ किया ये सारी चीज़ों नूं लैके हुण पुलिस पार्टी भी इत्थे पहुंची हुई है, लेकिन बड़ी हैरान कर देने वाली गल है कि आखिर इहदे पिछे किहदी साजिश है या किस तरह की चीज़ा हुई है। सारी चीज़ों नूं लैके हुण पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पप्पी जी किन्ने क वजे की यह गल है, तुसीं की देखिया? सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े क 10 बजे के करीब मेरे को एक उस मोहल्ले का एक बंदा आया, उन्हें आके मैंने दसाया कि इतने ना उन्होंने मोहल्ले च अपना गुटका साहब के अंग फाड़ के किसी ने घेरे हुए हैं कि तुम प्लीज आके देखो उन्होंने। चलो मैं जो जाके उसे देखा तो बड़ा रोना भी निकलिया, मन बड़ा दुखी होया कि उन्होंने जिसने किसी ने भी बेअदबी करी है वो दसने योग भी नहीं है कि उन्होंने किस तरह बेअदबी करी है। सब तो पहला तो उन्होंने अंग फाड़े महाराज की 8वीं अष्टपति दे ब्रह्मज्ञानी वाली अष्टपति है जो वो अंग फाड़ के उन्होंने, तो उस तो बाद मैं संगत नूं चलो फिर फोन करया, संगत इकट्ठी हुई, संगत ने इकट्ठी होकर बड़ा रोष करया। SHO साहब आए फिर उत्थे मौके ते पुलिस पहुंची है, SHO साहब जदे आ गए सी उन्होंने मौका देखा, SSP साहब भी आए उत्थे। देखो हुण फिर अगे कानूनी कार्रवाई जो है कोई इन्वेस्टिगेशन च कुछ पता लग गया होवे CCTV कैमरा वगैरह, क्योंकि एक पूरा गली जी हैगी है जिदा देखा जाए। देखो जिहड़े कैमरे लगे हुए, 2 कैमरे लगे हुए हैं जी, जे उन्हां दे घर वाले नूं असीं जाके पुछदे हां ओह सानूं कहिंदे ने जी इह तां बंद पए आ, पर SHO साहब ने जदों जाके पुछया तो कहिंदे जी असीं खोल के तुहानूं दिखा दिंदे जदों मर्जी तुसीं आके चैक कर लो इहनां नूं। तो ओह हुण पुलिस दी इन्वेस्टिगेशन तों ही पता लगेगा जदों ओह चैक करनगे वी क्या अगे है क्या नहीं। पुलिस दी इन्वेस्टिगेशन च भाजी क्योंकि तुसीं सारे नाल सीगे, की लग रहा है तुहानूं कि किसी दी साजिश है? इह साजिश ही है जी, किसी ने जाण बुझ के कीता जी, गलत हरकत है, गलत गलत मनसा नाल कीता गया जी। इंक्वायरी जो की मकान च DVR लग्या है उस मुलाया मकान मालिक न इंसाफ मिलना चाहिए, जिसने भी कारवाई करी है इन्नी निंदन योग हरकत करी है उन्हें सख्त तो सख्त सजा दी जाए, क्योंकि देखो गुरु घर एक गुरुद्वारा साहब एक महाराज ने जो सानू उपदेश दिता वो सांझी वालता का उपदेश है, असं सारे धर्मों का सत्कार करते हैं, असं यह नहीं कहते भी महाराज की गुटका साहब की बेअदबी से असं रोष कर रहे हैं, असं कोई मंदिर के कोई बेअदबी होंगी असं वह भी रोष कर रहे हैं, असं सारे का सत्कार करते हैं। इस करके असं सरकार तो यही मंग करते हैं भी जो भी निंदन योग घटना हुई है यदि इन्वेस्टिगेशन करके जो भी दोषी पाया जाता उसके खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई करी जाए, सख्त कार्रवाई जी की जाए। लेकिन एक गल हो रहा है जी, क्योंकि काफी पॉपुलेटेड एरिया है जी आप नया गाँव की। हाँ जी हाँ जी, उ सारे धर्म के लोग रहने, फर्स्ट टाइम ये चीज हुई है, कदे पहला कदे ये चीज नहीं हुई। काफी कह सकते हैं कि सिचुएशन जिहड़ी चीजा नूं लैके हुण अगे जिहड़ी हैगी मंग कीती जा रही है, हुण अगे दा की हुण तुसी कर रहे हो? हालांकि पुलिस नूं तां तुसी देता देखो सब तो पहला तो हुण जिहड़े महाराज दे अंग हैगे जिन्हां दी बेअदबी हुई है उन्हां नूं संगत इकट्ठी हो रही है गुरुद्वारा साहब सुखमनी साहिब दा पाठ करांगे, उस तों बाद जो है महाराज दे अंगां दा संस्कार करिया जाऊगा, उस बाद संगत जो भी अपना रोष प्रकट करेगी उसके बाद आप पुलिस वाले के कानून से अपन देखेंगे क्या कानून क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि कानून ने ही कार्रवाई करनी है, कानून के अनुसार ही कार्रवाई चाहते हैं जो भी हो। अरवाल सर क्योंकि मामला जिहड़ा है सवेर का है, पूरा इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी तुसी पहुंचे हो इत्थे सारा जायजा भी तुसी लेता है, पूरा मामला की सी? ये अज तकरीबन अज सवेरे सानूं इन्फॉर्मेशन आई सी कि नवे ग्राउंड के आदर्श एरिया कोई अपना बेहद भी साड़ी नॉलेज आई है, जे जो असी तुरंत सारे सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग साड़ी जिन्नी भी एजेंसीज जिले दी हैगी ने उन्होंने असी एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करके असी मौके पर आके ते जिन्ना भी टेक्निकली असी उन्हों एनालाइज करना सीगा जिमें कि CCTV कैमराज कोई आसे पासे असी सारा उन्हों अमल च लियाता सीगा जी। ते हुण तक दी इन्वेस्टिगेशन च कुछ सामने आया होगा? साडे कोल काफी इहदे च लीड्स हैगियां ने ते उहदे ते असी वर्कआउट कर रहे हैं,
ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲੌਜ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਵਾਂਗਾਉਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਏ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪਲੱਸ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਟੋਟਲ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਪਕ ਪਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਈਵਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।